मुरावर से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री यादव सिंह जी परमार साहब, जो मितेरा से हमारे बीच में हैं श्री राजेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, जो पेउची से हमारे बीच में आए हैं श्री दिलीप जी जाधव साहब, सांवरिया टेंट इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री राम बाबू जी राजपूत साहब, जो नाहली से हमारे बीच में आए हैं श्री सौदान सिंह जी धाकड़ साहब, जो कुमड़ावदा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी तालियां इस बात का संकेत देती रहेंगी कि मंच पर कार्यक्रम चल रहा है। श्री सौदान सिंह जी धाकड़ जो कुमड़ावदा से हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री प्रताप सिंह जी परमार साहब जो बगड़ावदा से हमारे बीच में आए हुए हैं, श्री बसंत जी सोनेकर साहब जो छुई से हमारे बीच में हैं, श्री छलकन जी जो छुई से हमारे बीच में हैं, और श्री संतोष कुमार जी ठाकुर साहब जो छुई से हमारे बीच में हैं। श्री जगदीश जी ठाकुर साहब छुई से, साथ में जगदीश जी ठाकुर जी भी आ जाएं छुई से। और भी कुछ नाम मेरे पास, जो बाहर के अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं, जहाँ जहाँ माँ के चरण डले हैं वहाँ वहाँ की धरती से भी सब लोग इस पावन धाम पर पधारे, मैं उनके नाम उच्चारित कर रहा हूँ। आदरणीय डी एन जी गुप्ता जो भोपाल से हमारे बीच में हैं, कृपया पधारे मंच पर, परम पूजनीय माँ के चरणों में माल्य अर्पण करें। विष्णु सुखलाल जी बोलिया बुजुर्ग राजस्थान से आप हमारे बीच में हैं, कृपया आप भी मंच पर पधारें। श्री रामचंद्र जी अनघोरे सुहागपुर बैतूल से हमारे बीच में हैं, कृपया आप भी मंच पर पधारें और परम पूजनीय माँ के चरणों में माल्य अर्पण करें। दिनेश जी बाड़बुदे बिरुल बाजार से हमारे बीच में हैं, कृपया आप भी मंच पर पधारें और माल्य अर्पण कर स्वागत करेंगे। श्री विकास जी पंवार, श्रीमती रजनी पंवार इंदौर से हमारे बीच में, आप भी कृपया दीदी मंच पर पधारें और माल्य अर्पण कर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं आप सबकी एक बार फिर। मिश्रोली राजस्थान से हमारे बीच में कुछ साधक भाई यहाँ पर पधारे हैं, मदनलाल जी पाटीदार, कन्हैयालाल जी पाटीदार, बर्दीचंद जी, घासीलाल जी, द्वारकालाल जी, बनवारी लाल जी, फकीरचंद जी, कृपया मंच पर पधारें और पूजनीय माँ के चरणों में माल्य अर्पण कर स्वागत करें। सांवरिया टेंट इंदौर से आदरणीय दीपू भैया मंच पर पधारे हैं और माल्य अर्पण कर स्वागत करेंगे। ये विजय भैया ने जो नाम बताए थे, ये वो नाम हैं जो बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में आए हैं, और विजय भैया इन सभी लोगों से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। कौन व्यक्ति किस सम्मान के लिए आरक्षित है, ये सब उनके दिमाग में ये बातें थी। इसलिए अगले नाम जो मैं बताना जा रहा हूँ, ये जो मंच है, यहाँ की व्यवस्था है, मैं रोज़ कहता हूँ ये बात, इसमें सर्वाधिक सहयोग हमारी महिला मंडली का होता है। हमारी कुछ महिला बहनें जो क्रम से हम उनको सबको लेते हैं सम्मान में, आज मैं नाम बुला रहा हूँ, श्री उर्मिला जी सोनी मंच पर पधारें महिला मंडल की तरफ से। उर्मिला जी सोनी, श्री माया जी सोनी मंच पर पधारें, श्री राधा जी सोनी, श्री रेखा जी मंच पर पधारें, श्रीमती रेखा परमार जी सरपंच हकीमाबाद, वो नहीं आ पाई हैं किन्हीं कारणों से, श्रीमती उमा गुप्ता जी जो बनारस से हमारे बीच में आई हैं, वो भी मंच पर पधारें। कृपया आप इनको रास्ता दीजिए निकलने का, थोड़ा जल्दी से आ जाएं मंच तक सब लोग। कौन? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में एक अतिथि आए हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। और एक अतिथि हमारे बीच में जिनका नाम मुझ तक नहीं पहुंच पाया है, माँ का आदेश है मैं उनका नाम बता दूँ, जो बैतूल से हमारे बीच में आए हैं और जिन्होंने अभी एक आयोजन बहुत बड़ा किया था वहाँ पर, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर पधारें। बैतूल से जो हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, रामचंद्र जी अनघोरे नाम बोल दिया गया था, बोल दिया गया था रामचंद्र जी अनघोरे मंच पर पधारे। श्रीमती
उमा गुप्ता जी बनारस से हमारे बीच में हैं, श्रीमती नीता जायसवाल जी हमारे बीच में बनारस से हैं, सुश्री उन्नति गुप्ता जो हमारे बीच में बनारस से वो भी मंच पर पधारें, श्रीमती शारदा यादव जी ये भी बनारस से हमारे बीच में हैं, श्री मीरा यादव जी जो बिहार से हमारे बीच में हैं वो मंच पर पधारें, श्री मीना जी गुप्ता ये बिहार से हमारे बीच में हैं कृपया मंच पर पधारें, श्रीमती रंजना जी यादव ये भी मंच पर पधारें, और सुशीला भाई जो छुई से हमारे बीच में हैं ये भी मंच पर पधारें। जोरदार तालियां, आप ये अतिथि हमारे और बड़ी दूर से यहाँ पर आए हैं, आ गए, चलो ठीक, हाँ वो भी नट गए थे। इसी के बीच में मैं एक ऐसी सूचना आपको भी देना चाहता हूँ, आष्टा नगर में सिंधी समाज जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में, हर धार्मिक काम में हिस्सा लेते हैं। सिंधी समाज के सभी लोग जो मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो सभी लोग मंच पर पहुँच जाएं जो आष्टा नगर से हमारे सिंधी समाज के लोग पधारे हैं, और कृपया थोड़ा जल्दी करें आप लोग मंच पर पधारने के लिए। सिंधी समाज आष्टा, श्री दिलीप सिंह जी ठाकुर साहब जो मुरावर से हमारे बीच में आए वो भी पधार जाएं, श्री सुरेंद्र सिंह जी मर्दाखेड़ी से हमारे बीच में उपस्थित हैं वो भी कृपया मंच पर पधार जाएं, श्री कैलाश चंद जी पूर्व सरपंच मालीखेड़ी वो भी हमारे मंच पर पधारने की कृपा करें, हम उनका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, मंच पर पधारें। श्री कैलाश चंद जी पूर्व सरपंच मालीखेड़ी, श्री रामलाल जी मांडलाखेड़ी आप भी मंच पर पधारें, आप इनके स्वागत में तालियां बजाइए, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, ये बनारस और बिहार के लोग हैं, इनको ऐसा लगना चाहिए कि हमने कहीं जाके स्वागत किया था। श्री संजय पटेल साहब जो कोठरी से हमारे बीच में हैं वो भी कृपया मंच पर पधारें, श्री रामलाल जी मांदलाखेड़ी वाले वो भी हमारे बीच में पधारें, श्री रमेश जी आंवला घोसी वो भी हमारे बीच में, ढाबला घोसी वाले वो भी हमारे बीच में पधारें, श्री सतीश जी सोनानिया सरपंच मुगली वो भी हमारे बीच में पधारें। हमारा जो ये कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से एक व्यक्ति के हाथों में हो ऐसा नहीं है, या एक व्यक्ति की सेवा हो ऐसा नहीं है। श्री ब्रह्मानंद जनसेवा संघ, श्री ब्रह्मानंद जनसेवा युवा मंडल और श्री कृष्णाधाम महिला मंडल, इन सबके सामूहिक सहयोग से इस आयोजन की रूपरेखा और यहाँ की भव्यता आपको देखने को मिलती है। हमारे विक्रम जी पटेल साहब जो कि इस संस्था के या इस आश्रम के अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है, वो भी बधाई के पात्र हैं। राजस्थान पहल धाम से हमारे बीच में कोढ़े दो भक्त स्वागत में आए हुए हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। हनुमत सिंह जी मेवाड़ा ओसनपुरा से हमारे बीच में आए वो भी मंच पर पधारें, श्री विक्रम सिंह जी मेवाड़ा ये भी ओसनपुरा से हमारे बीच में है ये भी मंच पर पधारें। ये सिंधी समाज आष्टा के लोग सम्मान कर रहे हैं, आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही जब सम्मान होता है उस वक्त तो कम से कम इतनी तालियां बजना चाहिए, इतनी तालियां बजना चाहिए। आज माता श्री का साल उड़ा के सम्मान हो रहा है। श्री भोजवानी साहब सामने से आए हैं, वो मंच पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। आज पूरा सिंधी समाज माताजी के स्वागत के लिए उमड़ा है, और ये बड़े सुनहरी पल हैं, बड़े अनमोल पल हैं, जब एक पूरा समाज, पूरा एक सिंधी समाज माताजी के श्री चरणों में अपने भाव सुमन अर्पित करने के लिए तैयार है।
जो मंच पर उपस्थित हैं, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी अपने पूरे समाज के साथ किसी भी आयोजन में जाके जब स्वागत सत्कार करेंगे तो पूरे सम्मान का मान बढ़ता है उसमें। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। पुष्प माला में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें जो श्रद्धा, उनमें जो आत्मीयता और उनमें जो एक भावना होती है महत्वपूर्ण, वो होती है। उस माला में ना जाने कितने सपने, ना जाने कितनी आत्मा के उद्भाव और ना जाने कितने उद्गार छिपे होते हैं। माला सिर्फ देखने में फूल लगते हैं, लेकिन उनमें छिपा हुआ जो भाव, जो आत्मीयता होती है वो बहुत विस्तृत होती है। स्वागत की इस बेला को यहीं विराम देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़प्पन, किसी संत ने बहुत बढ़िया बात कही है, मैं उस बात को दोहराते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा कि बड़प्पन धन से नहीं सद्गुणों से आता है। बड़प्पन धन से नहीं सद्गुणों से आता है। समरसता उस बिंदु से प्रारंभ होती है, समरसता उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहाँ स्वार्थ मौन हो जाता है, जहाँ स्वार्थ मौन हो जाता है। अभी आप जो बात, जो हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्दों के लिए हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद पुराण ये मानते हैं कि धर्म शब्द जो होता है वो ब्रह्म होता है, और मुँह से निकला हुआ शब्द कभी भी विलीन नहीं होता, वो ब्रह्मांड में तैरता रहता है। तब शब्द के लिए कहा गया कि शब्द ब्रह्म है। शब्द का उपयोग दो स्थितियां पैदा करता है। इसका सही उपयोग या तो व्यक्ति को मन में बिठा देता है, या तो मन में उतार देता है, और या इसका गलत प्रयोग व्यक्ति को मन से उतार देता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत बोलचाल और बहुत तल्लीनता से करना चाहिए आप लोगों को, और बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। शब्द बहुत ब्रह्म की चीज़ है। मैं चार पंक्तियों के बाद अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि मन मेरा बस साधना में हो भरा, मन मेरा बस साधना से हो भरा, विश्व शांति कामना से हो भरा, सत्य का साधक बनूं माँ कर कृपा, सत्य का साधक बनूं माँ कर कृपा, हर लम्हा आराधना से हो भरा, हर लम्हा आराधना से हो भरा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब हम उस दिशा की ओर चल रहे हैं जहां हमें शब्दों का वो अमृत मिलने वाला है जो माँ के मुखारबिंद से प्रवाहित होगा। माँ के मुखारबिंद से कहा गया हर शब्द हमारे जीवन को पवित्र करेगा, हर जीवन के लिए राह बनाएगा और मोक्ष का पथ दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम, देखो सभी लोगों से प्रार्थना है, आरती करने का विधान है, बैठ के करो कि खड़े होकर के करो या लेट के करो, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बैठे रहेंगे और बैठे बैठे आरती करेंगे, क्योंकि मेरे माताओं का कहना है कि व्यवस्था में व्यवधान पड़ती, तो कोई माताओं की ओर से तीन लोग खड़े हो जाएं और कोई पुरुषों की ओर से तीन लोग खड़े हो जाएं, बाकी शेष लोग बैठे बैठे आरती करेंगे। आरती करने का विधान है, खड़े होकर के बैठ के लेट करके कोई विधान नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातकः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय प्राणस मुखारदग्निर्जायत। तीन आरती पुरुषों में, तीन आरती माताओं में। कोई पुरुषों में तीन लोग खड़े हो जाए, बाकी शेष लोग बैठे रहेंगे, माताओं से कोई तीन लोग खड़े हो जाएं और व्यवस्था में बाधा मत डालें।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही हो हो, हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति तीर्थ पावन पुनीत, यह शांति तीर्थ पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला, पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरणी हो हो, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग फंद खोल, यह मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही हो हो, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। बैठ जाएं अपने स्थान पर शांत। सिर आगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे भाव से। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जी
जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब ही कहकर, दिन रात अपने मतलब ही कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जी
जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निराभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यहाँ आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया तेरे बनाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम तत्सत् परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वीनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अखंडबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्ना आसुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत अच्छी प्रार्थना आप सुन रहे थे। हे भगवान अब तो ये जीवन ऐसा बना दो कि अब की बार जो मिला है ये व्यर्थ ना हो जाए, निरर्थक ना हो जाए, ये नाली का गंदा कीड़ा ना बन जाए। अब की बार आपने सुना था कि धरती पे जितने धूल के कण हैं उतनी बार आप इंद्र बन चुके हैं। अब उससे बड़ो पद कहीं बताऊं आपके पद की दृष्टि से, और जितनी पानी में लहरें हैं उतनी बार ब्रह्मा बन चुके हो। आपको तो याद है नहीं, पिछला आपको याद नहीं है, जितने आकाश के तारे हैं उतनी बार राजा बन चुके हो आप। लेकिन क्या हुआ, क्या हो गया उससे, तुमको क्या मिल गया? अभी कुछ भी नहीं मिला। ब्रह्मलोक तक जाकर पुनः जन जन्म लेता है, यहीं चींटी से लगा के ब्रह्मलोक तक भी हमारी यात्रा हो चुकी है, सैकड़ों बार हो गई है, सैकड़ों बार, लेकिन ब्रह्मलोक तक जाकर पुनः जन जन्म लेता है, यहीं
पर पा गया अर्जुन मुझे वो जन्म फिर लेता नहीं। अब तो पाने की बात करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, सभी काम बहुत हो गया, कब होश में आएंगे हम। दो काम करे हमने, संसार में घुसे, उधर के खूब भोग भोग लिए, गंदगी को कीड़ों नर माने हैं आनंदगी, माया को मजूर बंदो का जाने बंदगी। जब उधर का भोग के देख लिया तो इधर आ गए।